भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों का लगा मेला। 80 वार्डों से लगभग 800 उम्मीदवारों ने जताई दावेदारी। निकाय चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और पूर्व युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अशोक लाहोटी ने लगाई चौपाल। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव प्रभारी व पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और सांगानेर के विधायक व पूर्व युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अशोक लाहोटी रविवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मीनयन समारोह स्थल में अजमेर के समस्त मंडलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें सांसद, विधायक, शहर अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम चुनावों में भाजपा से दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन लिए। अरुण चतुर्वेदी को आवेदन देने वाले बड़ी संख्या में समारोह स्थल पहुंचे। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों से लगभग 800 दावेदारों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए, जिनकी छटाई करने के बाद चुनाव प्रभारी को सौंपा गया। अब आलाकमान प्रत्याशी चयन कर नामों की घोषणा करेंगे। सर, हमें मालूम है, हमने सर आए हुए हैं, हमारे भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और अभी मंत्री हैं सर, तो हम भी हमारी उम्मीद को लेकर के आए हैं, भाजपा पार्टी से टिकट की उम्मीद करते हैं सर, और मैं चाहती हूँ पार्टी का सपोर्ट मिले मुझे सर। हमने कॉलोनी में पूरा अपना प्रचार किया है और उनका समर्थन लिया है सर, सर लोगों की उम्मीद पर ही हम खड़े हुए हैं, तो सर पार्टी का पूरा पूरा सहयोग मिले सर हमें, प्लीज़। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मीडिया से बात करते हुए चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 5 वर्षों में एक बार जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने और वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, इसलिए हर कोई दावेदारी जताता है, लेकिन पार्टी सभी से सलाह मशवरा और सुझाव लेने के बाद ही संभावित जिताऊ योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है, उसे पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है। इसके लिए आज सुझाव और समीक्षा कर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति पर्व से एक दिन पूर्व 13 जनवरी को भाजपा महासंपर्क अभियान प्रत्येक वार्ड में चलाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर विधायक, मोर्चों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, सभी लोग प्रत्येक घर में जाकर मेरा परिवार भाजपा परिवार, कमल का फूल, मेरा चुनाव चिन्ह को लेकर जनसंपर्क करेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए एक ब्लैक पेपर भी जारी करेगी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के राज में तुलनात्मक कार्यों को इस पत्र में समाहित किया जाएगा। आज दोपहर से मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी के सांगानेर से विधायक और भारतीय जनता मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक लाहोटी जी ने, हमने सब जयपुर या अजमेर शहर के कार्यकर्ताओं से यहाँ के 80 वार्डों के बारे में प्रत्याशी की स्वयं की इच्छा और किसी के बारे में सुझाव, इस सब को सबके साथ खुले में बैठ करके सुना है। सब कार्यकर्ताओं ने बहुत ही स्वस्थ परंपरा के हिसाब से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने सुझाव हम लोगों को दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अपने अपने 2 दिन में अपने सुझाव कोई भी हैं या अपने स्वयं के चुनाव लड़ने की इच्छा है, उस विषय को लेकर के अपने यहाँ के मंडल अध्यक्ष, अपने क्षेत्र के संबंधित विधायक, पार्टी के जिलाध्यक्ष और या हमको सीधे भी अपना चाहे तो आवेदन या मौखिक रूप से अपना विषय हमें बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है कि केवल आवेदन के आधार पर हम प्रत्याशी चयन करेंगे, इसलिए किसी भी रूप में अगर किसी की इच्छा है स्वयं की या किसी को लड़ाने की, व्यक्त करने के लिए कहा था। कल शाम तक ये मंडल अध्यक्षों के पास, आज हमारे पास सारी ऐसी कार्यकर्ताओं की आई है। मैं कितने कार्यकर्ताओं ने किस किस वार्ड में कुल मंगाई, इसका भी आंकड़ा देने की स्थिति में नहीं हूँ। शाम तक
ये पूरा कंप्यूटर पर आएगा, तब कुल कितने लोगों ने आवेदन किया इस विषय को आपको यहाँ की अजमेर की टीम देगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में आज जो सब कार्यकर्ताओं को सुना और सबके मन में एक ही इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बने, सब इसमें सकारात्मक थे। सबका मत था कि जिस प्रकार से पिछले 2 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार निरंकुश होकर के काम कर रही है, पिछले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का निगम, केंद्र सरकार के काम और पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम, इन सब को लेकर के जहाँ संपूर्ण जनता में सकारात्मकता का संदेश है, वहीं आम कार्यकर्ता भी पूरा एकमुखी होकर के जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और अपने कार्यकर्ताओं को जिताया, उसी प्रकार जिनको भी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी उसके लिए हम काम करेंगे, वोट बनाएंगे, इसकी सकारात्मकता थी। कमल का चिन्ह इसको लेकर के घर घर में जाएगा और उनसे आग्रह करेगा आने वाले निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर के भाजपा परिवार को मजबूती देने का काम करें। मुझे इतना ही कहना था। सर, आपको लगता है कि संगठन से ज्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हो रही है? नहीं, मैंने ये सारे विषय बताए जिसमें संगठन ही दूरी है और उस संगठन के आधार पर ही सब चीज बढ़ा रहे हैं। भाजपा की नींव जरूर मजबूत होती है, लेकिन जब तक कंगूरा तैयार होता है तब तक वो ढह जाता है। जिला परिषद चुनाव में आपने देखा है, भारत में लगता है नगर निगम चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नींव ही है जो बड़े से बड़े केंद्र की सरकार को चलाती है और किसी को तैयार करती है। तात्कालिक रूप से कोई हवा का झोंका भारतीय जनता पार्टी को डिगा नहीं सकता, एक घटना हमारे मन को नहीं डगा सकती और ये चुनौती के रूप में आती है। इन सब अनुभव के आधार पर हम और मजबूती से आगे बढ़े। जी, जनता ने भाजपा को वोट दिया था और अंतिम समय में आकर के जहाँ तक उनको विश्वासघात हुआ, अभी तक पार्टी ने उन नेताओं के खिलाफ या जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत निर्णय किया है और जिनको निकालना था पार्टी निकाल चुकी, बाकी के विषय ध्यान में है, उनके बारे में समय निर्णय होगा। और ये बात जहाँ तक आप कहते हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने वोट दिया था, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, इस मंच से भी पहले भी किया है। जिन लोगों ने पार्टी का मत देकर के पार्टी के विपरीत जाकर काम किया, उनके चेहरों को भी जनता ने देखा है। पहले भी ऐसे चेहरे एक्सपोज हुए हैं और जनता ने ठुकराया है, आने वाले समय में जनता फिर ऐसे चेहरों को ठुकराएगी।